दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रिवॉल्यूशन पर। मैं हूं आपका दोस्त और आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो साइड में दिए हुए लाल सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें, साथ में घंटी के आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि कोई क्वेश्चन होता है आपके मस्तिष्क में, कोई किसी प्रकार का संदेह रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आई बटन में जाकर कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर डेयरी व्यवसाय से संबंधित ऐसी लाभकारी छोटी मोटी जानकारियाँ समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। और आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी गाय भैंस समय से हीट में नहीं आती है या बार बार डोका करती है और हीट के लक्षण नहीं दिखाती है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। ज़्यादातर पशुओं में यह पाया गया है कि वह 60 से 90 दिन के अंतराल में, ब्याने के 60 से 90 दिन के अंतराल में 80% भैंसें गाभिन हो जाती हैं। लेकिन वो उन भैंसों के लिए क्या किया जाए जो बार बार डोका करती हैं और अपने हीट के लक्षण नहीं दिखाती हैं। हम सोचते हैं कि गाय भैंस गाभिन होगी, वह डोका मोड़ेगी तो 3 से 4 दिन बाद वह रंभाएगी या हीट के लक्षण दिखाएगी और हम उसको गाभिन करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पशु डोका करता है और गाभिन नहीं होता है, तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्या सटीक उपाय किया जाए जो 100% काम करता है और जिसके बहुत ही अच्छे 100% या मैं कहूँ कि 100 में से 99% जो सफल रहा है। ऐसे में क्या किया जाए। सामने जो वीडियो में आपको भैंस दिखाई दे रही है, जो इस तरफ मेरी तरफ देख रही है, हाँ ये भैंस जो आपको दिखाई दे रही है, यह अभी 90 से ज़्यादा दिन की ब्याई हो चुकी है और यह हाल ही में दिसंबर महीने में ही गाभिन हुई है, क्योंकि यह बार बार डोका कर रही थी और डोका मोड़ जाती थी लेकिन हीट के लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी, जिसकी वजह से AI और बुल के द्वारा यह प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। लेकिन जो मैंने उपाय किया वह बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सस्ता, कारगर और 100% रिजल्ट देने वाला उपाय है। अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यह एक इंजेक्शन का डिब्बा है, फेटमेट इसका नाम है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस में दिखाया गया है लेकिन कोई इसको आजमा कर नहीं देखता। आजमा कर देखा, जैसे ही डॉक्टर ने सलाह करी कि इसको आजमाना है गाय के ऊपर या भैंस के ऊपर, तो इसको आजमाया गया। फेटमेट सुआ है, ये इंजेक्शन होता है, 2 ml की इसकी डोज होती है। कारगिल का मार्का इस पर डला हुआ है, इस पर 199 प्रिंट रेट है, 180 रुपये में यह मुझे मिला था। इसको क्या करना है, 2 ml की यह डोज होती है। जिस प्रकार से हम गाय भैंस को दूध पहुँचाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं उस प्रकार से इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होता है। किसी भी समय इसको इंजेक्शन को लगा सकते हैं, 72 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, 3 दिन के अंदर अंदर पशु हीट के लक्षण दिखाने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पशु जो इंजेक्शन की वजह से हीट दिखाता है उसमें कई पशु तो क्या करते हैं, 100 में से 50% पशु क्या करते हैं, यूट्रस में ओव्यूल यानी कि अंडा भी रिलीज करते हैं, एग रिलीज होता है लेकिन ओव्यूलेशन के दौरान। लेकिन कुछ पशुओं में क्या पाया गया है कि अंडा रिलीज नहीं होता है, वह उनकी खाली हीट होती है जिसमें हम पशु को AI या गाभिन करवा लाते हैं बुल के द्वारा और वह 20वें दिन दोबारा से हीट में आता है। तो ऐसे में कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, यह इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, यह इंजेक्शन की खाली हीट हो सकती है जिसमें पशु गाभिन होने के लक्षण दिखा रहा है लेकिन वह गाभिन नहीं हो रहा है। तो 20 दिन के बाद जब आपका पशु दोबारा से हीट में आता है तो उसको अच्छी प्रकार से ही AI के द्वारा या बुल के द्वारा आप गाभिन करवाएं और वह निश्चित ही 100% रुकेगा। सामने जो वीडियो में आपको भैंस दिखाई दे रही है इस पर भी मैंने विटमिट का इंजेक्शन लगाया था और इसने बहुत अच्छी प्रकार से जो है हीट के लक्षण शो किए थे। अभी सुबह के 11-12 बजे का समय है, पूरी अच्छी प्रकार से तो आपको मैं नहीं दिखा सकता लेकिन यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरी भैंस हल्के हल्के डोका कर रही है। यह दरअसल डोका नहीं होते हैं, गाभिन होने के बाद पशु जो 7वें 8वें दिन अपने थनों में दूध उतारने लग जाता है उसको गब डोका कहा जाता है, यानी कि डोका मोड़ना, जिसका मतलब यह होता है कि लगभग 90% आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विटमेट के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, इससे पशु हीट में भी आता है, गाभिन भी होता है और ठहर भी जाता है। यह बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक की दवाई है, यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी इंजेक्शन की ऐड इसमें नहीं की जा रही है,
केवल डेयरी में पशुओं के ऊपर आजमाए हुए नुस्खे इस चैनल पर शेयर किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह नुस्खा कैसा लगा, और साथ में ये भी बताएं कि जो सामने वीडियो में दो भैंस दिखाई दे रही हैं, इनमें से आपको ज़्यादा सुंदर कौन सी भैंस लगी। इस भैंस को हम 1 नंबर देते हैं, इस भैंस को हम 2 नंबर देते हैं, तो आप बताएं इनमें से कौन सी भैंस आपको अच्छी लगी। जय जवान, जय किसान।